अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी लोगो ड्रा करने की दूसरी सीरीज है। मैं इसमें ये वाला लोगो हम ड्रा करेंगे। मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। आपने जब भी कोई लोगो देखना है, आपने हतुल इमकान कोशिश करनी है कि उस लोगो को डिब्बे या दायरे से जिस हद तक वो ड्रा होता है उसको ड्रा कर लें। अभी ये देखें, ये जो लोगो है इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। इसको हमने जस्ट एक डिब्बा ड्रा करना है। ये एक डिब्बा ड्रा कर लें इसके अंदर, ठीक है। इसको कोई भी आउटलाइन दे देता हूँ। इसका आउटलाइन का थोड़ा सा साइज बड़ा कर दे, ठीक है जी। ये है, हमें ये वाले जो दो कोने हैं इसको आप सिलेक्ट कर लें सिलेक्शन टूल से और इसको कर्व कर दें, ठीक है। एक नोड अब हमें यहाँ चाहिए और एक नोड यहाँ पे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इधर से ऐड एंकर पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक कर लूंगा और यहाँ पे क्लिक कर लूंगा। अब ये मुझे डिलीट करने हैं, मैं सिलेक्शन टूल से ये दोनों नोड डिलीट कर दूँ, ठीक है। अब मैं इसकी आउटलाइन मोटी कर देता हूँ। ये देखिए, अब स्ट्रोक में जाके मैं इसके जो है कोने वो गोल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, अभी ये हमारा परफेक्ट है। इसको थोड़ा सा छोटा करना है आपने, थोड़ा सा छोटा करना है। ये देखिए, ठीक है। ये नीचे वाली लेयर जो है इसको मैं लॉक कर देता हूँ, ठीक है। और अगर ये आपको तंग कर रहा हो यानी हिलाने में, तो फिर आपने इसको व्यू में जाके स्मार्ट गाइड ऑफ कर दें और इसको बिल्कुल जहाँ पे इसकी सेटिंग 100% सेट आती है वहाँ पे इसकी सेटिंग कर लें। ठीक है जी, ये यहाँ पे हमारा ये सेट हो गया। इसको थोड़ा सा आगे करना चाहें और जहाँ पे बिल्कुल अब, हाँ यहाँ पे ठीक है। इसकी अब मैं क्या करूँगा, जस्ट इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और उसको रोटेट कर देता हूँ। ये देखिए, और इसको भी उसके हिसाब से आप, ये देखिए, ये हमारा ऊपर वाला जो लाइन वाला एस मुकम्मल हो गया। अब हम एक दायरा बनाएंगे, ठीक है। इसके आउटलाइन बिल्कुल छोटी कर लें और इसको बिल्कुल जहां पे ये सेट होता है इसको सेट करें, ठीक है जी। ये अब हमारा दायरा बन गया। अब हमें ये वाले दो हिस्से काटने हैं। तो हमने क्या करना है, एक पेन टूल से हम ये हिस्सा ड्रा करेंगे। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और इसको जोड़ देता हूँ। आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, ये मैं आपको बताता हूँ फिर हमने इसको बाद में क्या करना है। इसकी भी कॉपी ले लें, कॉपी लेनी कॉपी ले लें, अगर देखें मुख्तलिफ है तो दोबारा से इसको भी वैसे ही ड्रा कर। तो ये जितना आप इसको परफेक्ट, ये कोने बाद में मैं इसके गोल कर लूंगा, इसको भी नज़दीक कर लें, ठीक है। तो अब हमने ये दोनों सेलेक्ट करने हैं और ये जो हमारा नीचे हमने सर्कल बनाया उसमें से हम शेप बिल्डर से इसको माइनस कर देंगे, इसको भी और इसको। तो ये हमारी आप देखें ये शेप बन गई है, ठीक है। मुझे देखना है यहाँ पे, अगर मुझे थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके इसको गोल कर लेना।
सेट कर लेना। ठीक है जी। अभी हमारा पार्ट रह गया ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, दो पहले मैं इसके कलर पिक कर लेता हूँ यहाँ से, पर्पल कलर ले लें और इसकी एक कॉपी ले लें और एक ब्लू ले लें। ठीक है, मैं एक डिब्बा ड्रा कर लेता हूँ ताकि मुझे ये ब्लू और पर्पल, पर्पल का जो है आपने सजेस्ट क्या करना, कोड कॉपी कर लें, ये जो कोड है कलर कोड। ठीक है, और ये आपने आ जाना ग्रेडियंट टूल पे। ग्रेडियंट टूल में हम यहाँ पे इसके कलर जो है वो ऐड कर देते हैं। हमें ब्लू चाहिए और ब्लैक की जगह पे हमें, हम यहाँ से डायरेक्ट वो वाला कलर भी उठा सकते हैं और डबल क्लिक करके यहाँ पे कोड भी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोड भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। मैं इसको पिकर की मदद से लगा दूंगा और फिर ग्रेडियंट टूल पकड़ के मैं देखता हूँ, अगर मुझे पर्पल ज़्यादा चाहिए तो मैं पर्पल ज़्यादा कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसकी जो है नीचे वाली लेयर ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, और इन दोनों को इसको अरेंज सेंड टू बैक कर दें। तो इसकी आउटलाइन जो है वाइट कर दें। ठीक है, ये देखें हमारा लोगो जो है तैयार है। अभी आपने जस्ट ये करना है, अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने एनिमेशन करनी है तो ये दो लाइनें रखें, अदरवाइज आप इसको भी कटिंग कर दें। मैं यहाँ से इसकी कॉपी लेके रख लेता हूँ और क्या करते हैं हम, ये जो हमारी आउटलाइन है ये और ये, ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट में जाएं, एक्सपैंड कर दें, फिल और स्ट्रोक। ठीक है, और ये वाला नीचे वाला पकड़ के शेप बिल्डर से मैं ये भी माइनस कर देता हूँ और ये भी माइनस कर देता हूँ। तो आप देखें ये भी हमारा कटिंग हो गया है लोगो। ठीक है, इसके अभी कोने जहाँ से अभी हमें महसूस होते हैं वहाँ पे आपने जस्ट क्लिक करके इसको कर्व कर दें। यहाँ पे कोना मुझे महसूस हो रहा है, ठीक है, इसको दो तरीके स्मूथ करने के पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। आप इसको स्मूथ पेंसिल टूल से सिलेक्ट करें, स्मूथ पेंसिल टूल से जस्ट इसको कर्व कर दें। ठीक है, ये देखें इस कोने को भी, इसको भी और इसको भी। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से लोगो ड्रा हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लोगो की क्लास में। अल्लाह हाफिज़।